दोस्तों आप देख रहे हैं कि सन 2020 अपने जुल्मों को खत्म करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। एक के बाद एक कई मुसीबतें और कई बुरी खबरें आती ही जा रही हैं। और इसी बीच नासा ने जो लेटेस्ट खबर दी है वो साल में अंत तक आने वाली एक बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत है। दोस्तों नासा ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने तक पृथ्वी से एक बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराएगा और ये उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ अभी बढ़ने लगा है और इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 3 नवंबर को है, यानी कि तब तक डोनाल्ड ट्रंप और जोई बिडेन के बीच टकराव के नतीजे आ जाएंगे। नासा के डेटा के मुताबिक इस उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के 40% चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो पृथ्वी पर तबाही आ जाएगी। स्पेस रॉक जिसका नाम 2018 VP1 है और उसकी 2 नवंबर को पृथ्वी के पास से गुजरने की भविष्यवाणी की गई है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जो कि 3 नवंबर को होने वाले हैं उससे एक दिन पहले। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि इस उल्कापिंड के 3 संभावित प्रभाव थे। 12,968 दिनों में किए 21 ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह साफ हुआ है कि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 40% है। दोस्तों ये खबर एक हफ्ते पहले ही एक कार जितने बड़े उल्कापिंड के पृथ्वी से बहुत नजदीक से गुजरने के ठीक बाद आई है और नासा ने इस उल्कापिंड को पृथ्वी की तरफ आते हुए देखा ही नहीं था। आपको बता दें दोस्तों कि एक हफ्ते पहले 2020 QG नाम का एक उल्कापिंड 16 अगस्त को दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर से केवल 1830 मील की दूरी पर उड़ गया था और यह अभी तक पृथ्वी के सबसे नजदीक से गुजरने वाला उल्कापिंड था, लेकिन नासा की नजर इस पर पड़ी ही नहीं, पता नहीं कैसे। और जब यह उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक आया तब सबका इसके ऊपर ध्यान गया। दोस्तों 2018 VP1 इस साल के अंत तक पृथ्वी से टकरा सकता है। इसे पहली बार 2 साल पहले कैलिफोर्निया में पालेमार ऑब्जर्वेटरी में पहचाना गया था। संभावित रूप से खतरनाक वस्तुएं आमतौर पर नासा के द्वारा पहचाने गए वो उल्कापिंड होते हैं जिनके पास एक कक्षा है और जो उन्हें पृथ्वी के करीब ले जा रही है और जो ग्रह को हिट करने पर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय क्षति का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। जैसे कि 16 अगस्त को पार हुआ उल्कापिंड 2020 QG को व्यास में 2.9 मीटर और 6.4 मीटर के बीच मापने का अनुमान लगाया गया था जिससे ये लगभग एक कार के समान आकार का था और अगर ये पृथ्वी से टकराता तो दोस्तों महाप्रलय आ जाता। आप सब जानते हैं कि नासा जो है वो नियमित रूप से उल्कापिंडों पर नजर रखता है, कौन सा उल्कापिंड कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, क्या स्पीड है और वो कितना बड़ा है, इन सब पर नासा बहुत कड़ी नजर रखता है। लेकिन 2020 QG उसकी नजर से चूक गया और वहां के लोग कहते हैं कि उन्होंने उसको आते हुए देखा ही नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी के लिए टकराव के पाठ्यक्रम पर पाया जाता है तो टकराव को रोकने के लिए नासा के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। वो अंतरिक्ष में किसी भी चीज से उल्कापिंड को टकरा कर उसका रास्ता चेंज कर सकते हैं या फिर उसको तबाह कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।